जादुई मेकअप किट का ताला। बहुत समय पहले की बात है, कानपुर के चुनरी गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में कविता अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। कविता दिखने में थोड़ी सांवली टाइप की थी और उसके चेहरे पर कुछ दाने भी थे, परंतु कविता को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने आप में ही मगन रहती थी। कविता की सौतेली माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उस पर पूरा दिन अत्याचार करती थी। कमला की एक सगी बेटी भी थी जिसका नाम था अनन्या। कमला अनन्या से बहुत प्यार करती थी और उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। माँ, मेरा स्कूल बैग काफी पुराना हो गया है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं एक नया स्कूल बैग ले लूं। माँ, आप मुझे एक नया स्कूल बैग दिलाओगी ना? क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, आज तक ऐसा हुआ है जो तूने मुझसे मांगा हो और मैंने मना कर दिया हो? ये जितना कुछ भी मेरे पास है सब तेरा ही तो है। और इसी तरह दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। माँ, मेरी स्कूल ड्रेस काफी फट गई है और पुरानी भी हो गई है। टीचर जी कह रही थी कि अब मुझे एक नई स्कूल ड्रेस की आवश्यकता है, कृपया आप मुझे एक नई स्कूल ड्रेस दिलवा दीजिए ना। चुप कर, बड़ी स्कूल ड्रेस पहनने वाली, चुपचाप से वही पुरानी फटी स्कूल ड्रेस पहन कर जा, नहीं तो घर बैठकर घर के काम देख। माफ कीजिए माँ, परंतु वो स्कूल ड्रेस काफी पुरानी हो गई है और उसमें एक बहुत बड़ा छेद भी हो गया है। प्लीज माँ, मुझे एक नया ड्रेस दिला दीजिए ना। जुबान लड़ाएगी मुझसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा यहाँ से, अपनी पुरानी ड्रेस को सिलकर काम चला। कविता अपनी सगी माँ के शादी की सिलाई मशीन से अपना पुराना ड्रेस सिलकर जैसे तैसे काम चला लेती है। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं। तभी एक दिन, रुको अनन्या बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरे साथ नहीं जाना। तेरे इस काले रंग की वजह से सभी लोग तेरे साथ साथ मेरा भी मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं तो जा रही हूँ, तू आती रही हो अकेले। और इस तरह अनन्या कविता को अपने साथ उसको काले रंग की वजह से स्कूल नहीं ले जाया करती थी। अनन्या कविता से 2 साल बड़ी थी, इसलिए वो सीनियर सेकेंडरी क्लास में पढ़ती थी। वही कविता अभी सेकेंडरी क्लास में ही थी। एक दिन कविता अपने बैग में एक बुक ढूंढ रही होती है, परंतु उसे वो बुक नहीं मिलती और अपने टीचर के डर से वो बुक मांगने अनन्या के क्लास में चली जाती है। अनन्या बहन, मेरी साइंस की नोटबुक नहीं मिल रही है, कृपया तुम अपने बैग में चेक करके देख लो, कहीं कल घर पर होमवर्क करते वक्त तुमने गलती से मेरी नोटबुक अपने बैग में तो नहीं रख ली। नहीं, मेरे पास तेरी कोई नोटबुक नहीं है, अब जल्दी से यहाँ से घिसक ले, नहीं तो कोई तुझे देख लेगा। तभी ये सभी बातें अनन्या की एक फ्रेंड डोली सुन लेती है और कहती है, अरे अरे अनन्या, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक और बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती है। मुझे तुम्हारे इस बहन को देखकर बहुत हैरानी हो रही है, तुम दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, एक काली रात है तो एक सफेद चंद्रमा। अरे हाँ, देखो तो इसे, ये कितनी काली है, हमें इसे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो इसके साथ रहकर हम भी इसकी तरह बदसूरत और काले हो जाएंगे। अपने दोस्तों से अपना इस तरह मजाक उड़ता देख अनन्या को बहुत गुस्सा आ जाता है और अनन्या गुस्से में कविता को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। मनहूस लड़की, तू यहाँ मेरी क्लास में मेरा मजाक उड़ाने आई थी, मिल गई तुझे तसल्ली। तू तो यही चाहती थी कि हर जगह मैं अपना मजाक बनवाती रहूं और तू यहाँ खड़ी होकर मेरे ऊपर हंसती रहे। मैं दिखने में थोड़ी काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गोरा काला तो सब ऊपर वाले के यहाँ से बनकर आते हैं और ये सभी लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे काला बोल रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भला? मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं तो मैं इस क्लास में आती ही नहीं। इतना कहकर कविता गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी होते ही दोनों बहनें घर की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल गिलहरी दिखाई देती है। कविता गिलहरी को देखकर वहीं रुक जाती है और उस मासूम गिलहरी को इस हालत में देखकर दुखी होने लगती है। अरे बाबा, अब क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों रुक गई? जल्दी घर चलो, मुझे वीडियो गेम खेलने में देरी हो रही है। वो देखो अनन्या, उस गिलहरी को कितनी चोट आई है और उसे बहुत दर्द भी हो रहा है। इसमें देखना क्या है, मुझे तो लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ चढ़ रहा है, यहाँ तभी इतनी बदबू है।
अब जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं कहते अनन्या, हमें उस मासूम की मदद करनी चाहिए। वो जानवर है तो क्या हुआ, उसके पास जवाब नहीं है, मगर उसको भी हमारी तरह दर्द होता है और वो भी रोते हैं। मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए देरी हो रही है, मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ, तो यहीं पर खड़ी होकर इस बदबूदार गिलहरी को देख, मैं तो चली। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। कविता उस गिलहरी को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल तक ले जाती है। डॉक्टर ये देखिए, लगता है इस गिलहरी को किसी बड़े जानवर ने अपना पंजा मार दिया है और इसे बहुत गहरी चोट आई है। जल्दी से इसका इलाज कर दीजिए ताकि ये जल्दी से ठीक होकर पहले की तरह चल फिर सके। आप घबराइए मत, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़े दिन के दवाई और अच्छी देखभाल से ये ठीक हो जाएंगी। और इस तरह डॉक्टर गिलहरी को मरहम पट्टी लगाकर और थोड़ी दवाइयाँ देकर कविता को घर भेज देती है। कविता उस गिलहरी को अपने साथ अपने घर ले आती है। मनहूस लड़की, पिछले एक घंटे से कहाँ गायब है तू, और तेरे कपड़े इतने गंदे कैसे हो रहे हैं? जरूर तो स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गई होगी। और इस तरह कमला कविता पर बहुत चिल्लाती है, परंतु कविता उसे उस गिलहरी के बारे में नहीं बताती, क्योंकि कविता जानती थी कि माँ उसे अपने साथ रखने की इजाज़त नहीं देगी। और कविता इस तरह अपने कमरे में उस गिलहरी के साथ खेलने लगती है, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ही वो गिलहरी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। कविता गिलहरी को किट्टू नाम देती है। सुन कविता की बच्ची, मैं और मेरी बेटी शर्मा जी के लड़के के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, हम पार्टी से थोड़ा लेट हो जाएंगे, तू फ्रिज में से कल की बची हुई रोटी खाकर चुपचाप सो जाना। माँ मुझे भी शर्मा जी की बेटी के बर्थडे में जाना है, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए, मैं भी घर पर रहते रहते बोर हो जाती हूँ, कृपया इस बार मुझे भी बर्थडे में ले चलिए ना। बर्थडे में जाने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए और सुंदर शक्ल भी, तेरे साथ जाकर सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। वैसे भी मैंने सुना है शर्मा जी अपने बेटे के 18वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने बेटे की शादी किसी नेक और काबिल लड़की से करवाना चाहते हैं। अगर मैं तुझे वहाँ ले गई तो मेरी बेटी अनन्या का स्टेटस डाउन हो जाएगा, और शायद तेरी वजह से अनन्या और शर्मा जी की बेटी की शादी रुक सकती है। अब चुपचाप जाओ, रसोई में जूठे बर्तन पड़े होंगे उन्हें धोकर घर के बागे सभी काम भी कर दियो। इतना कहकर कमला अपनी बेटी के साथ बर्थडे पार्टी में चली जाती है। यहाँ कविता गिलहरी से बात करते हुए कहती है, किट्टू तुम्हें पता है माँ मुझे कभी किसी फंक्शन में नहीं ले जाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा काला रंग देखकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे भला बुरा कहेंगे तो उन्हें शर्म आएगी। परंतु उन्हें पता नहीं है कि मेरा भी जन्मदिन में जाने का मन होता है, नए नए लोगों से मिलना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना मेरा भी मन करता है, बर्थडे केक खाना, नए नए दोस्त बनाना। और इसी तरह कविता किट्टू से अपने दिल की बहुत सारी बातें करती है। ये सब सुनकर किट्टू कमरे में दौड़ने लगती है। कविता किट्टू का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी कविता देखती है कि वो तो किसी मेकअप किट के तालाब के पास आ पहुंची है। अरे किट्टू तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई, ये तो एक मेकअप किट का तालाब है और इस तालाब में बहुत सारे मेकअप किट है, परंतु ये मेकअप मेरे किस काम का, लोग तो फिर भी मुझे काला भालू, कल्लू माई, कलमोही कहकर ही बुलाएंगे। कविता ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उस जादुई मेकअप किट के तालाब से एक आवाज आती है। कविता बेटा, तुम जरूर एक भाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें मेकअप किट का तालाब दिखाई दिया है। मैं बरसों से जंगल में हूँ परंतु कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, जरूर तुम एक ईमानदार और दयालु लड़की हो जिस कारण तुम मुझे देख सकती हो। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें लोग तुम्हारे काले रंग की वजह से पसंद नहीं करते और तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। मेरी बात सुनो और मेरे तरफ से एक मेकअप किट लेकर उससे मेकअप करो। मेरे जादुई तालाब की मेकअप किट से मेकअप करते ही तुम अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगी। कविता तालाब की बात मानकर तालाब की जादुई मेकअप किट से मेकअप करने लगती है। कविता मेकअप करते ही वो एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है और उसके शरीर पर एक सुंदर चमकदार लहंगा आ जाता है। कविता अपने आप को इतना सुंदर देखकर पहचान नहीं पाती
और खुशी से नाचने लगती है। फिर कविता तालाब का धन्यवाद देकर उस बर्थडे पार्टी में चली जाती है। शर्मा जी के लड़के रोहित की बर्थडे पार्टी वाकई में बहुत शानदार थी, परंतु कविता की सुंदरता उस बर्थडे पार्टी में चार चांद लगा रही थी। सभी लोगों की नज़र कविता से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक रोहित की नज़र कविता पर पड़ती है और रोहित को पहली ही नज़र में कविता पसंद आ जाती है। रोहित का दिल कविता पर आ चुका था और वो भरी महफिल में कविता को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रोहित, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, परंतु शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैं अपनी माँ से पूछे बगैर नहीं ले सकती। इतना कहकर कविता कमला को बुलाती है और कहती है, माँ लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी कविता हूँ। माँ, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो मैं रोहित को शादी के लिए हाँ बोल दूँ। कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो जल्दी जल्दी में हाँ बोल देती है। और इस तरह पार्टी खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ, पता नहीं बर्थडे पार्टी में वहाँ इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। शर्मा जी का लड़का तो मुझे ही पसंद करने वाला था, परंतु उस मनहूस ने आकर सारा काम बिगाड़ दिया। इस तरह दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ कविता पहुँच जाती है। हाँ माँ, देखो तो ये तो है वो लड़की, इसी ने रोहित को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। क्यों रे, कौन है तू और हमारे घर में क्या कर रही है, जल्दी बता मुझे। तू किस सुंदर लड़की के रूप में चोर नजर आ रही है। माँ, मैं कविता हूँ, आपकी बेटी। और इस तरह कविता सारी कहानी अपनी माँ कमला को सुनाती है। ये सब सुनकर कमला और अनन्या को कविता से जलन होने लगती है। मुझे वो मेकअप किट किसी भी हालत में चाहिए माँ, आपकी बेटी इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, मैं अपनी जगह किसी और को इतना सुंदर नहीं देख सकती। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लान बनाती है और अपने प्लान के मुताबिक रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही कमला कविता के कमरे में जाकर वो जादुई मेकअप किट चुरा लेती है और अपनी बेटी को जाकर दे देती है। ये लो मेरी प्यारी बेटी, अब जल्दी से सुंदर सा मेकअप करके दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओ। अनन्या उस जादुई मेकअप किट से मेकअप करने लगती है और अनन्या के मेकअप करते ही वो एक काली और बदसूरत लड़की में बदल जाती है। अब अनन्या के बाल बिल्कुल खराब हो गए थे और उसका रंग भी काला हो गया था तथा उसके चेहरे पर दाग धब्बे भी हो गए थे। अपना ये हाल देखकर अनन्या जोर जोर से रोने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे दोनों माँ बेटियों को अपनी की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कविता अपनी सहेली किट्टू गिलहरी के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।